आदमी मतलब दुखी में जाता है, दुख में जाता है, कैसे लोग रहते हैं वो लोग, जैसे भी है नमक रोटी खा रहे हैं, पर सही है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? तो अभी हमारी हो रही है स्कूल जाने की तैयारी और मम्मी बना रही है अभी हमारे लिए लंच के लिए वड़ा पाव, क्योंकि हमने ना मम्मी को कल बोला था कि हम स्कूल में ना वड़ा पाव लेके जाएंगे, तो मम्मी ने बोला ठीक है बना दूंगी। अब वड़ा पाव वाले बन तो नहीं मिले, पर मम्मी नॉर्मल बन लिए हैं, तो अभी मम्मी ना उसी को बनाने की तैयारी कर रही है। तो अभी आदि भी तैयार हो रहा है, मैं अब सिर्फ बाल बांधूंगी। और अभी हो रही है ना हमारी किचन में वड़ा पाव बनाने की तैयारी। बच्चों ने बोला हमें वड़ा पाव ले जाना है। सब्जी ना बच्चे वैसे कम ही खाते हैं, उनको ऐसी चीजें ना अच्छी लगती है। आज दाद उठ के पहले किचन में आए और मम्मी बना रही है, मैंने बोला हाँ हाँ बना रही हूँ, जो बोलती ना नहीं बना रही, तो बस यहीं पर नाच जाता। रात से लगा था, मेरे को ना बड़ा पाव ले जाना है स्कूल में, मैंने बोला रोटी सब्जी ले जाओ पर नहीं। चटनी ना मैंने रात को बना दी थी, पाव तो सुबह सुबह मिले नहीं, पर नीचे ना दुकान में बंदी मिले तो मैं बंदी लेके आ गई, मैंने बोला बंद से ही बना देते हैं, एक ही बात है। तो हम ना अपने लिए सब्जी रोटी बनाएंगे, तमन्ना आदि के लिए बना रही हूँ। दो तो बन गए, बिल्कुल कुकर बन रखे हैं, इनको ना ऐसे चिपटे टाइम में बना सकते हैं ना। अभी हम ऐसे रख रहे हैं और इसमें ना चटनी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर बच्चे ना लेट खाएंगे तो तब तक ना खराब हो जाएंगे, तो इसलिए हम चटनी अलग से रखेंगे उनके लिए। हम बंद पड़े आ जाएंगे। ऐसे रख रहे हैं और चटनी ना बाद में लगा लेंगे। कब से हो रखा था आदि का, मेरे ना बड़ा पाव बनाया स्कूल के लिए, और आजकल बड़ा पाव ना फेमस भी हो रखा है। चटनी अपने आप लगाना था मुँह। ये है बड़ा बंद। चल चल जूते पहनो जल्दी जल्दी, यहाँ पर आ जा रहे किचन में देखने के लिए। चटनी हम सेपरेट ही रख रहे हैं ना उनके लिए, वो अपने हिसाब से डाल लेंगे फिर बच्चे। पानी कितनी चाट रहा है नहीं पता। बल जल्दी बना, बल लेट हो जाएगा, बल मेरे लिए। मैं रोटी सब्जी बना भी लूंगी, तब तक ये तैयार नहीं हो पाते। दाढ़ी बन रही है, रोज रोज बनाते रहते हैं दाढ़ी, एक दिन छोड़ दिया करो। तो अब आलू बैंगन की सब्जी बनने वाली है, मैं जल्दी से ना रोटी बना लेती हूँ, बिल्कुल सूखी बनानी है, बस पानी नहीं डालना। तो अब ना मैंने नाश्ता तो बना दिया है और अभी तमन्ना के पापा ना तैयारी हो रहे हैं, पता नहीं कब तक होंगे तैयार। मैंने बोला तुम आराम से हो जाओ तैयार, मैंने तो कर दिया अपना काम, तब तो झाड़ू पोछा मैंने ना थोड़ी देर बाद करूँगी, जब ये चले जाएंगे ड्यूटी तभी होगा सब काम। कुछ हो यूज अपना नाश्ता पैक, लंच चलो। तो दोस्तों अब नाश्ता करते हैं और आप लोग भी कर लीजिए। बैंगन की सब्जी और रोटी, हमने ना दो दिन से वीडियो नहीं डाले क्योंकि हम हॉस्पिटल जा रखे थे और वहाँ पर ना वीडियो बनाना ना अलाउड नहीं है, तो मेरी जितनी भी रिपोर्टें है ना सारी आ गए, और जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है ना वो तो नॉर्मल आ रखी है, और ब्लड टेस्ट की भी नॉर्मल है, पर जो यूरिन कल्चर का हुआ था तो उसमें उन्होंने इन्फेक्शन बताया है और 10 दिन की दवाई दी है, और उन्होंने बोला है कि 10 दिन बाद ना फिर इसका एक यूरिन कल्चर का टेस्ट होगा, तो उसमें पता चलेगा कि इन्फेक्शन खत्म हो गया या अभी है। और पेट दर्द तो मेरा बंद हो नहीं रहा, अल्ट्रासाउंड में ना मेरा कुछ भी नहीं निकलता, पेट दर्द मेरा हमेशा रहता है। अल्ट्रासाउंड हर हमेशा मतलब नॉर्मल आता है, पर पता नहीं क्यों पेट दर्द होता है। ये बोल रहे हैं आप गांव जाएगी बोल तो नाल निकाल के आना, क्या हो सकता है नाल वाल पड़ा हो। नाल एक बार तो हमने निकाली थी, उस टाइम पड़ा था नाल, उसके बाद ना थोड़े दिन तक मैं ठीक रही और उसके बाद फिर दर्द होने लग गया।
और डॉक्टर ने ना थायराइड का भी बताया इसे कि मतलब थायराइड का जैसे नॉर्मल होता है ना तो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, और दवाई दे रखी उन्होंने थायराइड की। उन्होंने बोला एक महीने की दवाई ले जाओ फिर उसके बाद आना, तो उसके बाद ही जाएंगे। जिस दिन हमें हॉस्पिटल जाना था ना उसी दिन मेरा फोन भी टूट गया, और इतनी बार गिरा है ना मेरे फोन, कुछ नहीं हुआ। और उस दिन ना थोड़ा सा बस यहीं पर बैठी थी मैं, और ऐसे ही छूटा मेरे हाथ से और पूरे स्क्रीन काली हो गई उसकी। तो पहले हम हॉस्पिटल गए और उसके बाद ना सीधे हम लक्ष्मी नगर गए फोन बनाने के लिए। तो फोन की क्वालिटी ना जैसे पहले आ रही थी ना तो वैसे नहीं आ रही, वैसे नहीं दिखाई दे रहा फोन, वैसे नहीं दिखाई दे रहा। और उसका ना उन्होंने बोला कि पूरा डिस्प्ले चला गया है इसका, तो इसका पूरा फोल्डर ही चेंज होगा। और लक्ष्मी नगर में चेंज कराया, पर जो पहले वाले उसमें क्वालिटी आ रही थी ना तो वो इसमें नहीं आ रही, और मतलब नुकसान ही हो रहा है। मतलब इसमें ना वीडियो देखने में अजीब सा लग रहा है, मतलब वाइट वाइट सा। तो क्वालिटी कैसी आ रही है जरूर कमेंट में बताना। और मैंने सोचा कि अब ना मेरी वीडियो की क्वालिटी ना बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि मैं स्टैंड भी ले आई थी और रिंग लाइट भी ले आई थी, तो फोन ही टूट गया। एक चीज ठीक हो रही है दूसरी चीज खराब हो जा रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जो क्वालिटी मतलब उस डिस्प्ले की थी वो नहीं है इसमें। आजकल ना चोरी भी बहुत ज्यादा हो रही है, जरूरी नहीं है कि मतलब बस में ही चोरी हो, आजकल ना हॉस्पिटल के अंदर भी चोरी हो रही है। तो जिस दिन हम हॉस्पिटल से आए ना उस दिन हॉस्पिटल के बाहर ना एक लेडीज रो रही थी, उसके साथ दो बच्चे भी थे, और हमने उनको पूछा कि क्यों रो रहे हो क्या हुआ, तो उन्होंने बोला ना मेरा पर्स चोरी हो गया। तो हमें लगा कि मतलब कि बस में आ रहे थे और किसी ने ना जेब काट दी, पर उन्होंने बोला कि नहीं बस में नहीं हुआ, हॉस्पिटल के अंदर से ही चोरी हुआ। वो ना पर्ची बनाने के लिए लाइन पे लगे हुए थे, तो किसी ने शायद पीछे से ना उन्होंने पॉलिथीन पकड़ी हुई थी हाथ में, तो उनकी ना जो पॉलिथीन थी वो नीचे से पूरी फाड़ रखी थी हाथ से ही, ऐसा लग रहा था कि हाथ से फाड़ा है किसी ने, और उससे पर्स निकाल रखा था। उन्होंने ना उस पॉलिथीन में बच्चे के ना जैसे मतलब सलवार रखी थी और बोतल रखी थी पानी की, और पर्स भी उसी में रखा था। मैंने बोला तुमने इसमें पर्स रखा था, और बता रहे थे कि 800 रुपए भी थे उसमें, पर वो तो ठीक हुआ मोबाइल उनके हाथ में था, नहीं तो मोबाइल भी जाता उनका। मैंने बोला आप जाओगे बस में तो मोबाइल ना हाथ में रखना। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं हॉस्पिटल में भी मतलब चोरी कर रहे हैं। मैंने उनको बोला चुप हो जाओ, मैंने बोला रो मत, रो के आप कुछ नहीं होगा। तो तब भी रोए जा रहे थे, इतना रो रहे थे ना कि बाप रे, उनको देख के तो रोना आ रहा था। और वहाँ पे ना गार्ड भैया भी थे, तो उनसे उन्होंने भी बताया कि मतलब हमने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला इनके साथ ऐसे ऐसा हो गया, तो थोड़ा मदद उन्होंने की और थोड़ा हमने की। तो वैसे तो आजकल बसों में लेडीजों के लिए फ्री है, फिर भी हमने कहा यार बच्चे उनके साथ तो मतलब जरूरत पड़ती है आदमी को ना, तो मतलब आजकल ध्यान देना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। हॉस्पिटल में भी ये नहीं कि मतलब बस में ही होती है चोरी या भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो अब हॉस्पिटल में भी हो रही है। अब तो मरीज भी चोरी करने लगे, तो मतलब आदमी इतने दुखी में जाता हॉस्पिटल और फिर उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो फिर तो बेकार है। दो बच्चे थे ना उसके साथ, तो इसकी वजह से उसने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे उसको, छोटे थे बच्चे भी। तो मतलब चोरी अब हॉस्पिटल में भी हो रही है, मेरे को तो परसों ही पता चला कि हॉस्पिटल में भी लोग चोरी कर रहे हैं। जहाँ आदमी मतलब दुखी में जाता है, दुख में जाता है, ऐसे लोग रहते हैं वो लोग, ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए जान से। ईद अब फांसी की सजा पकड़े जाने पे। हाँ तो तभी तो एक तो आदमी इतने दुखी में जाता है, इतने दुख में गया है, ऊपर से दो बच्चे हैं छोटे छोटे हाथ में पकड़ रखे हैं। हॉस्पिटल से आके ना वैसे भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि जैसे हॉस्पिटल में लोगों को देखो ना, एक दूसरे को देखो तो अपना दुख कम लगता है और उनका दुख ज्यादा लगता है। कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं हॉस्पिटल में कि उनको देख के तो सचमुच ऐसा लगता है कि हम ही सही है, जैसे भी है नमक रोटी खा रहे पर सही है। किसी किसी की ना पूरी जिंदगी ना हॉस्पिटल में ही कट जाती है, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो चलते हैं अब तो दोस्तों चलते हैं अब ऑफिस, ड्यूटी भी करनी है। आज तो मैंने कहा पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं उनको देखने, चोरों को देखने, हाथ ही तोड़ देने थे उनके। चलो तो अब ड्यूटी चलते हैं, और तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए है ना, हॉस्पिटल में हो, बस हो या कहीं बाहर हो भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो मतलब अपना ध्यान रखो, सतर्क रहो। वो जब रो रही थी ना तो मेरे को ना अपनी याद आ रही थी, जिस दिन मेरा पर्स भी गुम हुआ ना उस दिन मैं भी ऐसे ही रो रही थी। हमारा तो चलते हुए ऑटो से छीना था, मेरा तो पर्स गया, उसके साथ फोन भी गया, फोन भी पर्स भी कुछ, मतलब मेरे साथ ना दो बार हो गए केस, तीसरी बार हो रहा था ना तो उस दिन मैं बच गई। कोई भैया थे सरदार भैया, उन्होंने बचा लिया, उन्होंने देख लिया था कि मेरा पर्स चोरी हो रहा है, वो आ गए झट से आगे। दो बार तो मेरा भी हो गया, इसलिए देख के मेरे को ऐसा लगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है।
मतलब हम ऑटो में थे और वो ना पीछे से बाइक से आए दो बंदे थे, और एक ने मतलब जब उन्होंने बाइक ना बिल्कुल ऐसी टेढ़ी की तो इसने आवाज मतलब ये चिल्लाने लग गए। मैंने सोचा ये इसलिए चिल्ला रही है कि मतलब बाइक का एक्सीडेंट होने वाला है इसलिए चिल्ला रही है। तो इसने बोला फिर कि मेरा पर्स ले गया, पर्स छीन लिया। उस दिन ना पता मैंने पर्स ऐसे रखा था, पहले पर्स रखा था, उसके बाद शॉल रखी थी, फिर उसके बाद थाल रखा था। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया, वो छीन के ले गए। मैं तो चलो अब इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करते हैं। और कूड़े की गाड़ी भी आ गई नीचे। तो मैंने कहा पापा कहाँ जा रहे हो, हॉस्पिटल? नहीं मेरे को जाना है ड्यूटी, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाओ या बस में हो तो मतलब ध्यान रखना अपना पर्स का, अपना भी रखना और ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना कि जिनमें बच्चे हो और वो अपने बच्चों का नहीं ध्यान रखते और अपने पर्स को ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा बहुत ना उनका भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। जब ऐसा हो तो दो चपेट मार दो। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और प्यार बनाए रखना। और आप सही लग रहा है, स्टैंड में रखा है हमने फोन, हाथ नहीं थक रहा, नहीं तो हाथ थक जाता। इसीलिए ना मैं अपना पर्स हमेशा आगे रखता हूँ।